सभी खाटू श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। दोस्तों, खाटू श्याम जाने के लिए आपको दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन आना होगा। यहां से शाम की 7:40 की गाड़ी में बैठना होगा और आपको टाइम से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। अगर आप 1-2 घंटे पहले नहीं पहुंचते गाइस, तो आपको इस तरीके से भीड़ का सामना करना पड़ेगा और मेरी तरह इस तरह खड़ा होना होगा। तो गाइस, मेरा टारगेट है ये बंदा, इस बंदे को मैं खिसकाऊंगा और यहाँ पे इसके बगल में बैठूंगा गाइस, क्योंकि इस सीट पे बैठे 3 लोग और इसे बैठेंगे 4 लोग। तो गाइस, अब दिखाता हूँ आपको जो लोग और भी बैठे हो किस तरीके से, ये देखिए गाइस, है ना, चारों तरफ भीड़। ये देखो सब जगह भीड़ है गाइस। तो देखो गाइस, मैंने किस तरीके से अपनी जगह बनाई और बैठ गया इस बंदे के बगल में, इसको मैंने सेट किया और मैं खुद बैठ गया इस पर जाके। सो गाइस, इस तरीके से आपको अपनी सीट भी लेनी होगी जब भी जाएं। तो गाइस, बाकी की बात हम रिंगस पहुँच कर करते हैं लास्ट स्टेशन पे। ये लो गाइस, अब हम आ चुके हैं रिंगस रेलवे स्टेशन। और गाइस, ये है हमारे पीछे खड़ी है चेता एक्सप्रेस जिसमें हम आए, देखिए। सो गाइस, यहाँ पहुँच करके बहुत ही आनंद आ रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। स्टेशन के बाहर गए कुछ इस तरीके से नज़ारे हैं, वहाँ जाके देखिए गाइस। दोस्तों, फिर रेलवे स्टेशन के गेट को जैसे ही हम पार करते हैं तो हमें यहाँ अनेक प्रकार की दुकान और ढाबा और रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम भी आगे की ओर जब चलते हैं तो हम थोड़ा छानबीन करते हैं और हम भी स्नान करने के लिए जाते हैं किसी गेस्ट हाउस में, जहाँ पर बंदे का चार्ज 50 रुपये है। तो आइए गाइस, अब हम चलते हैं नहाने के लिए, जिस गेस्ट हाउस में हमें जाना है नहाने के लिए। चलो आपको दिखाते हैं वो गेस्ट हाउस, आइए गाइस। भाई दोस्तों, हमने यहाँ नहा लिया है, अब हम यहाँ से निकले हैं। अगर आपको कभी खाटू श्याम आए तो यहाँ पे फ्रेश होए। अग्रवाल टेंट हाउस, हाँ जी, टेंट हाउस है, 50 रुपए पर पर्सन, नहीं 30 रुपए, हमारा नाम लेंगे तो डिस्काउंट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये बाथरूम और वॉशरूम, हमारा नाम लेंगे तो 30 रुपए लगेंगे। दोस्तों, फिर हम फ्रेश होकर निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर, जहां हमें अपने निशान तैयार करवाते हैं और उस निशान को हम अपने कंधे पर रखकर पैदल 22 किलोमीटर पैदल चलेंगे। उस निशान को हम जमीन पर भी नहीं रख सकते और ना ही झूठे हाथ उसे छू सकते हैं। उन सब के जगह बनी हुई है। रास्तों में अगर आप थक जाते हो तो उनके स्टैंड बना रखिए। उन स्टैंड में आप अपने निशान को रखकर आराम कर सकते हैं और अगर आपने कुछ खाया पिया है तो आप अपने हाथों को धोकर ही निशान उठाए और अपने कंधे पर रखकर इन लोगों की तरह आप भी पैदल चले। तो गाइस, बस हम पहुंचने वाले हैं खाटू श्याम मंदिर। अभी आधे घंटे रास्ता, हम वहां से चले थे 1:30 बजे और अब जाके अब हम बस पहुंच चले, चलते चलते बहुत थक चुके हैं, पैर बहुत तेज की दर्द हो रहे हैं। और ये देखो हल्क, हल्क देखो है ना हल्क। तो भाई साहब, हमारे रवि जी भी चल रहे हैं, देखो ये रवि जी फोन में बिजी है। हमारे रोहित भाई ये जा रहे हैं अपने मगन में। तो चलो आगे पहुंचते, बाकी आगे वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। ये गाइस, वाटर पार्क, यहाँ चलो आपको वाटर पार्क दिखाते हैं। यहाँ पे वाटर पार्क देखिए मेरा, वाटर पार्क दिख रहा है। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं, वैसे ही मजे ले रहा है यार। चलो भाई सब, आगे मिलते हैं, हम थोड़ा सा वीडियो कट करते हैं, ठीक है। दोस्तों, 22 किलोमीटर पैदल चलना कोई आम बात नहीं है। जो इंसान अपनी लाइफ में चलता फिरता कम हो, वो तो भूलकर भी पैदल ना चले, वरना खाटू श्याम जाने का फायदा तो होगा ही, बट वो वहां से घर वापस जाने के अलावा और सोने के अलावा और कुछ नहीं सूझेगा। पैदल वो ही इंसान जाए जिसको बाबा से मन्नत मांगनी हो, या फिर वो इंसान जिसको पैदल चलने की ज्यादा आदत हो, उस इंसान के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो बस थोड़ा ही थकेगा। बाबा के दर्शन करने जाना हो तो वाहन साधनों का ही प्रयोग करे, हीरो ना बने, वरना पैदल चलकर अच्छा खासा दर्द का सामना करना होगा।
खाटू श्याम जी तोरण द्वार के बाद कुछ इस तरीके से आपको बाजार देखने को मिलेगा, जिसमें बड़ी बड़ी दुकानें, हर प्रकार की निशान झंडे मिठाई तस्वीर रेस्टोरेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा और आप यहां से जो मर्जी खरीद सकते हैं। दोस्तों फिर धीरे धीरे हम आगे की ओर चलेंगे तो लोगों की भीड़ बढ़ती हुई मिलेगी और श्याम बाबा के नारे लगाते हुए हम और बाकी के लोग आगे मंदिर की ओर चलेंगे, जिसमें से अभी हम बाजार में से होकर निकलते हुए जाएंगे और आगे क्या क्या है आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों अब हम आपको सीधा प्राचीन श्याम कुंड के दर्शन करवाएंगे, जिसकी मान्यता है कि बर्बरीक का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से ही निकला गया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग दिया था और बर्बरीक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था और बाद में शीश बहकर श्याम कुंड में आया था और श्याम कुंड से ही खाटू शयन का सिर निकला गया था। यह कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है और इस कुंड में पानी है जिसका जल को बद्दा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर में लेफ्ट साइड में एक प्रवेश द्वार है जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ है और इस प्राचीन श्याम कुंड को महिला कुंड का नाम दे दिया गया है और अब इसमें केवल महिलाएं ही स्नान कर सकती हैं। आज के समय में श्रद्धालु इस कुंड के दर्शन करते हैं और यहां पर स्नान भी करते हैं। दोस्तों माना जाता है कि श्याम कुंड में स्नान व इसका जल अपने ऊपर छिड़कने से लोग स्वस्थ हो जाते हैं, लोगों के चरम रोग मिट जाते हैं। जहां लोग खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो खाटू श्याम कुंड के बारे में नहीं जानते हैं। वहीं इस पोस्ट एक जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि खाटू श्याम कुंड को लेकर क्या मान्यता है। दोस्तों जो नारियल कपड़े में लिपटा हुआ होता है उसको निशान से खोलकर इस जगह बांधना होता है और फिर श्याम बाबा के दर्शन के लिए आगे और चलना होता है। दोस्तों जब ज्यादा लोगों की भीड़ हो जाती है तो लोगों को थोड़ा लंबा रास्ते से दर्शन करवाया जाता है, जो कि मंदिर के एकदम पीछे से है, जहां पर लोग इस तरीके सै पैदल चलते हैं और बाबा के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम, हमारा ये बात देश विदेश में प्रसिद्ध खाटू श्याम को लेकर कही जाती है और ये बात सच भी है। दरअसल खाटू श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाता है, खाटू श्याम उसके दुख दर्द दूर कर देते हैं, साथ ही जो भी मनोकामना होती है खाटू श्याम उसे भी पूरी करते हैं। दोस्तों अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना चाहते हो तो हमसे अपनी राय जरूर ले, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे बाबा के दर्शन कराने में। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर करें। दोस्तों आपको हमने घर बैठे बाबा के दर्शन करवा दिए, श्याम बाबा का आशीर्वाद आपको मिल गया होगा। बस अगर आपने उनके दर्शन कर लिए हो तो कमेंट में जय श्री श्याम बाबा लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे।
भाई ऑटो मास्क लगा मेरे को ऑटो सही है ना राजा करेंगे रेस। दोस्तों हम खाटू श्याम के बाद हम जाते हैं सारासर बालाजी, उनके दर्शन करके हम सीधा निकल जाते हैं घर की ओर। तो गाइस हम सीधा बस पकड़ते हैं सुजानगढ़ की। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन में हमें बस उतार देती है, फिर उसके बाद हम अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं इस ट्रेन में। तो गाइस मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आपको जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों।